हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनिमेलिया किंगडम के एक और सब ग्रुप इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकाइनोडर्मेटा सब ग्रुप का एक एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश का स्ट्रक्चर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इनकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो पहला करेक्टरिस्टिक हम इनका कह सकते हैं स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म। इनकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स होते हैं। दूसरा करेक्टरिस्टिक, ये फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स मीन ये जो ये एनिमल्स होते हैं काइनोडर्मेटा के, ये किसी और दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं होते, फ्रीली पाए जाते हैं, ये अकेले अकेले से रहते हैं। तीसरा करेक्टरिस्टिक आता है, ये जो इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मैरीन हैबिटेट में होते हैं, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। मैरीन हैबिटेट, समुद्र के खारे पानी में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन इनकी जो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं काइनोडर्मेटा के, ये थ्री लेयर्स ऑफ सेल के बने होते हैं। इनकी एक इनर मोस्ट लेयर होती है, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, और एक मिडल की जो लेयर होती है सेल्स की। और जो मिडल की लेयर जो सेल्स की होती है वो ऑर्गन सिस्टम बनाने में हेल्प करती है, उनसे ऑर्गन्स बनते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, सीलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट। सीलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट, सिलोमिक कैविटी इस इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें होती है। इनमें जो ये जो इकाइनोडर्मेटा ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें वाटर ट्यूब सिस्टम इज प्रेजेंट। वाटर ट्यूब सिस्टम इज प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास वाटर को ड्राइव करने वाला ट्यूब सिस्टम होता है, वाटर को चलाने वाला ट्यूब सिस्टम होता है, जो इनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट लेयर एज स्केलेटन, स्केलेटन के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड लेयर इनमें होती है। आइए आप इनके एग्जांपल्स देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल होता है स्टारफिश, सी कुकुम्बर। स्टारफिश है, सी कुकुम्बर है, आर्चिन्स, ये कुछ इनके इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में एनिमेलिया किंगडम के बचे हुए जो सब ग्रुप्स हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।